मध्य कश्मीर के गांधरबल जिले के कंगन इलाके में रविवार दोपहर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार कार खाई में जा गिरी। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि मृत युवतियां सगी बहनें थी। एक अधिकारी के अनुसार श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंगन इलाके में 0. जोजिला के पास एक तेज रफ्तार ऑल्टो कार बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई। कार में चार लोग सवार थे। हादसे में सभी चार यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें PHC सोनमार्ग ले जाया गया था, जहां उनमें से दो युवतियों को मृत घोषित कर दिया गया। मृत युवतियों को शिनाख्त द्रास के निसार अहमद लोन की बेटी ताहिना परवीन जो कि 28 वर्षीय और ताहिरा बानो जो कि 18 वर्षीय थी, इनके रूप में पहचान हुई है। ये लोग वर्तमान में कंगन के काजपुरा गाँव में रह रहे हैं। घायलों की पहचान द्रास निवासी अब्दुल रहमान पुत्र निसार अहमद लोन और काजपुरा निवासी अब्दुल रशीद मीर पुत्र रियाद अहमद मीर के रूप में हुई है। जी, ये ऑल्टो गाड़ी JKB 1970 इसका एक्सीडेंट हुआ है। 0. जोजिला पे द्रास की तरफ जा रही थी। इसका ड्राइवर जो है वो रियाज अहमद था, किशपारा कंगन से बिलोंग करता है। ये ड्राइव कर रहा था तो इसमें अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें दो सिस्टर्स ताहिरा और तस्मीना परवीन जो कि डॉटर ऑफ निसार अहमद लोन, दे बिलोंग फ्रॉम किशवारा कंगन, दे वर ब्रॉट डेड हेयर बाय आर्मी एम्बुलेंस। तो जो बाकी दो इंजर्ड है उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। दे आर अंडर ट्रीटमेंट एंड दे विल बी रेफर्ड फॉर फर्दर ट्रीटमेंट टू SDH कंगन। दे आर वेल ओरिएंटेड, उनका थोड़ा बहुत एक्सरे के लिए भेजना पड़ेगा SDH कंगन में, अदरवाइज दे आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, दे आर फाइन। आपको बता दें कि दुर्भाग्यवश कार 400 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें दो युवतियों की जान चली गई और दो लोग घायल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर से फिरदौस अहमद की रिपोर्ट, डेली इंडिया न्यूज़।